जब जब बदायूं जिले को इतिहास के पन्नों में टटोला जाता है तो बदायूं की पहचान सहसवान से होती है। सहसवान अपने अंदर पूरा का पूरा इतिहास संजोए है, चाहे वह रामायण काल का योग हो, चाहे वह खिलजी वंश या फिर मुगल साम्राज्य हो या फिर अंग्रेज शासनकाल। हुक्मरानों की पहली पसंद रहा सहसवान, कई हिंदू राजाओं की राजधानी भी रहा और अंग्रेजी शासनकाल में सहसवान जिला मुख्यालय भी रहा। इस नगर के बीचों बीच आज भी हिंदू राजाओं के किले के अवशेष देखने को मिलते हैं, जिसे कोट कहते हैं। हालांकि इस जगह को पार्क में तब्दील कर दिया गया। सहसवान ने हर दौर में अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया, लेकिन विकास के क्षेत्र में अपना नाम दर्ज कराने में असफल रहा। ना तो यहाँ पीने के लिए सही पानी प्राप्त होता है, ना ही यहाँ विद्युत व्यवस्था है, न ही यहाँ यातायात के साधन है और न ही यहाँ सड़कें देखने को मिलती है। ये बदनसीबी है सहसवान की, जिसने इतिहास में अपना नाम तो लिखा लिया, लेकिन वह खुद कहीं गुम होकर रह गया। सहसवान के अंदर हमारे ये मंडी समिति के सामने बहुत बड़े बड़े इमली के पेड़ हुआ करते थे, तो तकरीबन 19 मुस्लिम क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने बिना मुकदमा दर्ज किए उनको वहीं फांसी पर लटका दिया। जो आज भी हम सहसवान के लोग और पूरे प्रदेश के लोग उन इमलियों को जो है खूनी इमली या शहादत वाली इमली के नाम से जानते हैं। ये सहसवान की एक बड़ी खुशनसीबी है कि हमने अपने खून से सींच कर इस मुल्क को आज़ाद कर